भाइयों एकदम सही वीडियो पकड़ा, डेल्टा मेल डिटेल्ड वीडियो आपके सामने है। बहुत सी विशेष थी, बहुत से कमेंट किया भाई लोगों ने, जाने के कि आप डेल्टा मेल तो नहीं, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग सिग्मा मेल की पर्सनालिटी में सूट नहीं होते। तो भाई अगर आपको डाउट अपने पर्सनालिटी के ऊपर कि आप अल्फा या सिग्मा या फिर INTP अगर सूट नहीं होते तो आप कहीं डेल्टा मेल हो सकते हो। अब डेल्टा मेल क्या है, अब सोशल हायरार्की में अल्फा मेल ऊपर है, देन बीटा मेल, देन उसके बाद आता है अपना डेल्टा मेल। तो अपना डेल्टा मेल बीच में आता है तो ये बंदा अननोटिस्ड रहता है, लोग जानते नहीं कि भाई आखिर डेल्टा मेल होता क्या है, डेल्टा मेल कौन है। बट ही इज़ द बैकबोन ऑफ फैमिलीज रिलेशनशिप एंड वर्क प्लेस। इसका मतलब क्या भाई, ये बंदा बैकबोन है। अब बैकबोन समझ दो भाई, मेन इंपॉर्टेंट पर्सन होता है अपनी फैमिली में, अपने वर्क प्लेस पे या फिर रिलेशनशिप में, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेल्टा मेल के 8 साइंस। अगर ये 8 साइंस आपके अंदर है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डेल्टा मेल। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ डेल्टा मेल एंड दैट इज डेल्टा मेल हैज ए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। अब इसका मतलब क्या, अब ये बंदा बहुत ही शिद्दत, ऑनेस्टी और ट्रूथफुल के साथ अपना वर्क करेगा। अब चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई जिम वगैरह, स्टडीज वगैरह कुछ भी करे, ये बंदा अपना 100% देगा। ये बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपना काम करेगा, किधर भी अगर काम करे ये ऑनेस्टी के साथ करता है। ऐसा नहीं कि मतलब करने के लिए काम करेगा, नहीं, बट ये अपना काम खुद समझेगा कि भाई हाँ ये तो मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, और वो अपनी ड्यूटी बहुत ही शिद्दत से निभाता है। ये बंदा बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन होता है, किसी का दिल ये दुखा नहीं सकता। अब बढ़ते दूसरे साइन की ओर, एंड दैट इज ही हैज नो डिजायर टू लीड। अब इसका मतलब क्या, अब भाई अल्फा मेल की तरह इसको लीड नहीं करना। अब अल्फा मेल क्या होता है, अगर उस बंदे को रिस्पेक्ट वैल्यू कदर ना मिले तो वो बंदा पागल हो जाता है। उस बंदे को रिस्पेक्ट वैल्यू हर जगह से चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, बट अपना डेल्टा मेल को ऐसा कुछ है नहीं कि भाई हाँ मैं लीडर हूँ तुम्हारा और तुम मेरे पीछे चलो, ऐसा मेंटालिटी रहता नहीं इस बंदे को। ये बंदा सभी के साथ मिल के जुल के काम करेगा कि भाई हाँ हम सब एक ग्रुप है और काम करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई मैं तुम्हारा लीडर हूँ और मुझे लीड करना है, वो डिजायर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। अब बढ़ते तीसरे साइन की ओर, एंड दैट इज ही इज़ ए रोमांटिक पर्सन। अब भाई अपना डेल्टा मेल बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, लव प्यार इश्क और डेट के लिए ये बंदा रिलेशनशिप में बहुत ही तगड़ा है और बहुत ही सॉलिड बंदा है। किसी भी लड़की को आराम से पटा सकता है, ये क्वालिटी इसके अंदर है, या फिर कोई लड़की है तो कोई किसी भी बंदे को फंसा सकती है। अब फंसाने का मतलब आप गलत समझे, वैसा कुछ नहीं है, बट प्यार में आराम से किसी को भी पटा सकते हैं। बढ़ते फोर्थ साइन की ओर, एंड दैट इज ही इज ए पर्सनालिटी अडैप्टर। अब भाई इसका मतलब क्या, अब भाई अपना जो डेल्टा मेल है ये किसी भी पर्सनालिटी को अडैप्ट कर सकता है। अब फॉर एन एग्जांपल, ये कहीं बाहर गया है तो ये अल्फा मेल या फिर बीटा मेल, इवन तो सिग्मा मेल की पर्सनालिटी को भी अडैप्ट कर सकता है, उसका रोल निभा सकता है कि भाई हाँ आई कैन बी अल्फा, आई कैन बी बीटा, और इवन तो आई कैन बी सिग्मा। तो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके जो रूल्स है, वो कैसे रहते हैं, वो पूरा अडेप्ट कर सकता है अपना डेल्टा मेल। ये काफ़ी तगड़ी क्वालिटी है, समझ पा रहे हो भाई। तो ये तो ओवरऑल सभी का बाप निकला ना यार। और अब बढ़ते पांचवें साइन की ओर, एंड दैट इज ही इज इनसिक्योर। इवन तो डेल्टा मेल इज ए सक्सेसफुल वर्क एथिक हार्ड वर्किंग रोमांटिक मैन, बट ही इज ए इनसिक्योर पर्सन। अब भाई वो कितना भी तगड़ा क्यों नहीं हो, मतलब बहुत सक्सेसफुल बंदा है, हार्ड वर्किंग बंदा है, रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा है, बट फिर भी ये बंदा कहीं ना कहीं डरता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर इनसिक्योरिटीज होती है कि भाई अगर वो मेरे से दूर चला जाएगा तो ये मुसीबत आ जाएगी, वो आ जाएगी, तो थोड़ा बंदा ये इनसिक्योर होता है। और अब बढ़ते हैं सेवंथ साइन की ओर, एंड दैट इज ही इज ए ब्लडी हार्ड वर्कर मैन। अब इसका मतलब क्या भाई, ये जो डेल्टा मेल है ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, चाहे जॉब में, गेम में, या फिर कोई भी प्ले में, कोई भी फील्ड में हो, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, अपना 1000% देता है। मैं नहीं कह सकता ये 100% देगा, बट ये बंदा उधर अपना 1000% रख देगा। और अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, और ये पॉइंट आप सुन के थोड़ा हैरान हो जाओगे, थोड़े शॉक हो जाओगे कि भाई ये बंदा तगड़ा है। और क्योंकि इस पॉइंट को सुन के आप इंप्रेस हो जाए कि भाई डेल्टा मेल वाकई डेल्टा मेल है। और वो क्या है, एंड दैट इज ही वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड फॉर हिज अफोर्ड। अब डेल्टा मेल के लिए उसकी रिस्पेक्ट वैल्यू कदर शोहरत बहुत ही मायने रखती है। कोई उनके साथ वैल्यू से खेले या फिर रिस्पेक्ट के साथ खेले तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे उसकी लाइफ पार्टनर हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, ये बंदा अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ सकता है। अब ये बंदा वहाँ रुकता ही नहीं, जहाँ मतलब ये अपना 100% देता है किसी बंदे को, अपने दोस्त को, अपने गर्लफ्रेंड को, या फिर किसी भी पर्सन को, बट अगर उधर से इसको 50% मिल रहा है या फिर 60% मिल रहा है तो ये बंदा उधर से चला जाएगा, भाई ड्रॉप करता है कि भाई बस हो गया, आज से तेरा और मेरा रास्ता अलग। जब ये बंदा 100% दे रहा तो सामने वाले से भी एक्सेप्टेशन रखता है कि भाई मुझे भी 100% दो, बट अगर सामने वाला बंदा 50-60% दे रहा है तो ये बंदा टाटा बाय बाय कर देगा कि भाई बस
अपने से नहीं होगा, अपने से जेला या नहीं जाएगा। अगर 100% नहीं दे सकते तो भाई तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग। तो ये बंदा काफ़ी अलग है, ये पॉइंट के लिए भाई मैं इसका फ़ैन हो गया। तो मेरे प्यारे भाई, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपके अंदर ये 8 साइन है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक डेल्टा मेल हो। और आपको और कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में नीचे ये जाके आपको बताना है। बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री जय हिंद, माता मातरम इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवाहर।